आज हम गणपति जी का विसर्जन करने जा रहे हैं। अनंत चतुर्दशी है तो रोज मैं गणपति जी की पूजा करती हूँ। आज मैंने पूजा अपनी कर ली है और अब मैं विसर्जन करूंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गणपति जी का विसर्जन हमेशा किसी भी नदी में किया जाता है, तो हमारे एनवायरनमेंट को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अभी गणपति जी को लेकर जाऊंगी। और मैंने अपने यहाँ पे जल की व्यवस्था की हुई है, उसमें देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैं गणपति बाबू का विसर्जन करती हूँ। चलिए आज यहाँ पधार गए हैं और ये देखिए हमारे घर में यहाँ पे ना ये वाला हिबिस्कस का प्लांट लगा, गणपति जी को बहुत पसंद है ना। मैं रोज यहाँ पे गणपति जी के आराधना में इन फ्लावर्स को चढ़ाती हूँ क्योंकि गणपति जी को ये फूल बहुत पसंद है। और मैं देखती हूँ, देखिए गणपति जी की कृपा से कितने सारे फूल यहाँ खिले हुए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं ले आई हूँ गणपति बाप्पा मोरिया और मैं अपनी विश गणपति जी को बता रही हूँ। तो अगले बरस गणपति महाराज इसी तरह आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। और इसी के साथ जय गणपति महाराज, 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 जय गणपति महाराज। और अब थोड़ी देर बाद जब गणपति महाराज इसमें विसर्जित हो जाएंगे तब मैं इस पानी को इन सारे प्लांट्स में डालने वाली हूँ, इन सारे प्लांट्स में, जिससे कि गणपति महाराज की कृपा हमारे पूरे प्लांट्स में, धरती माता में रहे। फिर मैंने यहाँ पे आगे बाग लगा रखा है तो उसमें भी मैं थोड़ा सा मैंने वेजिटेबल्स लगा रखी हैं, वहाँ पर भी डालूँगी। तो मेरा अपना गणपति बापा को श्रद्धांजलि देने का यही तरीका है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। और मेरी आप सभी से गुजारिश है, जितने भी लोग आज गणपति विसर्जन कर रहे हैं तो मैं कई जगह देखती हूँ कि पेड़ के नीचे रख देते हैं, कई बार रोड के साइड में होते हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, गणपति महाराज की पूरे सम्मान के साथ विसर्जन कीजिए जैसा मैंने किया। अगर आपके आसपास नदी है तो आप उसमें कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह भी गणपति महाराज का विसर्जन किया जा सकता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बताती रहूंगी इसी तरह आपको कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें। नमस्कार।